हाय गाइस, वेलकम टू प्रो ट्रेडर्स। दिस इज हर्षवर्धन। आज कुछ स्टॉक्स दिया तो मैंने, उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, उसके साथ साथ कल का स्टॉक्स भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ट्रेडिंग करने का तरीका ऐसा होता है कि देखो, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज पे यहाँ पे क्लोज दिया था कल। सो आज क्या करना है, कल मैं टेलीग्राम चैनल में जो भी लेवल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप, मैंने दिया था 101, ठीक है, 101, तो ये मेरा हमारा ट्रेडिंग लेवल है, ठीक है। कल मैं बाई के लिए देता हूँ, राइट। तो मैं टारगेट कुछ देता हूँ 105 मान लो, ठीक है, 105। सो 101 पे मैं बाय दिया, उसके बाद स्टॉप लॉस कहीं पे यहाँ पे 98 पे होगा फॉर एग्जाम्पल। तो हमेशा हमारा मार्केट कैसे ओपन करना है, ये जो ट्रेडिंग लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम चैनल में, उससे नीचे खुलना चाहिए। नीचे कहीं पे भी 99 पे हो सकता है, 100 पे भी हो सकता है, कहीं से भी वो नीचे होके इसको ब्रेक करके फिर वापस जाके हमारा टारगेट को देना है। ये ही है सेटअप। ऐसा सेटअप हुआ तो तभी हमको करना पड़ेगा ट्रेड। अगर नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रेड 101 पे दिया, लेकिन हमारा प्लान क्या था, 101 से नीचे ओपन होके ऊपर जाएगा, राइट। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ओपन होते ही 103 पे ओपन हुआ। तो ये ट्रेड सेटअप नहीं है, आपको ट्रेड नहीं करना है। क्यों, हमारा प्लान है वो नीचे खुलेगा, उसके बाद हमारा ट्रेड लेवल को हिट करके ऊपर जाके 105 हो, 104 हो, वो टारगेट दे देगा, ठीक है, ये टारगेट दे देगा, तभी हमको ट्रेड करना है, नहीं तो नहीं करना है, वो सेटअप है ही नहीं, ठीक है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी सेम वे आपको मिरर इमेज में क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको 95 पे आपने क्लोज दिया, फॉर एग्जाम्पल 95 पे क्लोज दिया कल, मार्केट दिया था कल सुबह। मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 94 पे हमारा ट्रेडिंग लेवल है, यहाँ पे सेल करना है हमको, ठीक है, कहाँ पे, 94 पे फॉर एग्जाम्पल। तो हमारा प्लान क्या है, 94 से ऊपर कहीं पे भी यहाँ पे ओपन होके वो 94 हो सकता है, 96 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होना है। उसके बाद क्या होता है, इसको ब्रेक करके फिर वापस आके हमारा 90 कोई भी हो टारगेट हमको दे देगा। तो ऐसा सेटअप होना चाहिए, ठीक है। हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी मैं लेवल देता हूँ उसे ऊपर ओपन होना है, जब भी सेल करने के टाइम पे ऊपर होके फिर उसको ब्रेक करके फिर हमारा टारगेट दे देगा। अगर नहीं, हमारा 93 पे गैप डाउन खुल गया, कौन सा लेवल पे, हमारा ट्रेडिंग लेवल, जो भी मैं सेल को देता हूँ उसे हमारा, हमने डिसाइड किया सेल यहाँ पे करना है 94, लेकिन वो 93 या 92 पे खुल गया गैप डाउन, तब क्या करना है, इसको ट्रेड नहीं करना है, ये ट्रेडिंग का सेटअप है ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो भी ट्रेड लेवल होता है हम डिसाइड किया 101 पे बाई करना है, फॉर एग्जांपल वो नीचे खुलना चाहिए, उसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहिए और टारगेट देना चाहिए। यहाँ पे भी सेल साइड के लिए उससे ऊपर खुलना चाहिए, उसके बाद उसको हमारा जो भी लेवल है ट्रेडिंग लेवल सेल ऑर्डर का, उसको ब्रेक करके हमारा टारगेट यहाँ पे दे देना है, तभी हमको ट्रेड करना है, ठीक है, नहीं तो नहीं करना है, वही सेटअप है। अगर नीचे हमारा ट्रेडिंग लेवल पे नीचे गैप डाउन खुल गया तो ट्रेड नहीं है, हमारा ट्रेडिंग लेवल पे गैप अप खुल गया तो वो ट्रेड नहीं है बाय साइड पे, ठीक है। सेल साइड पे हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे नहीं खुलना चाहिए, ऊपर ही खुलना चाहिए, बाय से हमारा ट्रेडिंग लेवल से नीचे खुलना चाहिए, तभी हमारा बाय ऑर्डर को हिट करके ऊपर जाना है, ठीक है, यही सेटअप है। और एक बात है, जो भी मैं ऑर्डर्स देता हूं वो अगर आपको एंट्री नहीं मिला, कहीं पे भी एंट्री नहीं मिला, नो एंट्री, तब क्या करना है, एंट्री नहीं मिला तो कैंसिल ऑल द ऑर्डर्स बाय
10 AM, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके, ठीक है, ये गेम सिर्फ 9:15 से लेके 10 AM तक। अगर 10 AM से कोई भी एंट्री नहीं मिला, पेंडिंग में ही है, सेल ऑर्डर पेंडिंग में है, बाय ऑर्डर भी पेंडिंग में है, तो उसको ऑल द ऑर्डर्स को कैंसिल करेंगे, उस दिन ट्रेड नहीं है, ठीक है, जो भी आप ट्रेड करते हो। समझ में आया ना? यही इसी के हिसाब से, इसी प्लान से मैं जो भी लेवल देता हूं टेलीग्राम चैनल में, उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए, मेरा रिजल्ट्स पेज में जाइए और वहां पे ये सब चेक किया मैंने, कब कब कौन सा स्टॉक में, देखो एनबीसी स्टॉक में कितना पैसा कमाया, 6 महीने में कैसे बनाया पोजिशनल स्ट्रेटजी से, BHEL में 45 डेज में कितना 2,50,000 कैसे कमाया, कब कब कैसे कमाया, वो सब मैं एक्सप्लेन किया है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, वो सब देखिए। ये देखो 30 डेज में 70,000 कमाया टाटा पावर में, और अल्केमी स्ट्रेटजी स्कॉल्पिंग इंट्राडे में मैंने 200% रिटर्न कमाया ITC स्टॉक में, वो भी देखिए। करेंसी में भी 100% रिटर्न से एक मंथ में कैसे कमाया, वो भी देखिए। और ये बहुत सारे ये भी है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल या फेसबुक सभी में ये रिजल्ट्स लाइव वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको अगर ये कैसे बनाया, मैंने कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मैंने फ्री ट्रेनिंग में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखिए, ये वीकली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इस वीडियो को पूरा देखो आप, ठीक है, आपको समझ में आएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ये देखिए, यहाँ पे कहीं मैंने कोर्स डिटेल्स भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं आपको विथ प्रूफ्स कैसे मैंने कहा बनाया, कौन सा महीने में कितना बनाया, वो सब मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद कोर्स का डिटेल्स भी है, एंड तक देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कही है, वो पूरा देखिए कौन सा क्या मिलने वाला है। अगर क्वेश्चंस डाउट है तो मुझे पूछिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज्वाइन कर सकता है, नहीं तो इट्स ओके। तो आज मैंने कुछ स्टॉक्स दिया था, उसमें एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो हम ट्रेड नहीं किया। तो कल के लिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स लिया है, उसमें कमेंट्स इंडिया, ये देखिए यहाँ पे देखो इसी प्राइस से रिजेक्शन आ रहा है कंटिन्यूसली, और ये सेलर स्ट्रेंथ दिखाया। ये देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, शायद ये बड़ा कैंडल बना है ना, वो ब्रेक करके नीचे आ सकता है इसको, इसलिए हम इसको सेल साइड के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा लेवल पे ट्रेड करना है आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके ज्वाइन करिए। नेक्स्ट विप्रो में भी देखिए, यहाँ पे इसको बाय साइड के लिए प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से ये देखो, मैंने अगर आपने कुछ दिन पहले मैंने इसको ब्रेक करके बड़ा कैंडल के बाद रैली दिखेगा, वैसे भी हुआ, फिर देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से ऊपर गया नीचे आया। मैं क्लियरली ड्रा करता हूँ, यहाँ पे देखो ऊपर आया, फिर प्राइस एक्शन आया, फिर देखो फिर इस लेवल्स को भी तोड़ के ऊपर क्लोजिंग किया, और भी ऊपर जा सकता है, इसलिए हम इसको बाय साइड के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कैडिलॉक में देखो, यहां से सपोर्ट लिया है और कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है ये, और यहां तक जाने की पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इसलिए हम इसको बाय साइड के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूसली प्राइस एक्शन बनाया ना इसने और ये रिटर्न वापस आ गया, ठीक है, इसको बाय के लिए प्लान करना पड़ेगा हमको, ठीक है। नेक्स्ट सीमेंट्स में देखिए, यहाँ पे इसको भी बाय साइड के लिए देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ये रिजेक्ट करके फिर वापस आ गया, ठीक है, यहां तक गया ना, फिर प्राइस एक्शन के हिसाब से वहां तक गया, फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है, देखेंगे शायद नीचे भी आ सकता है। अगर ऊपर गया तो हमारे ट्रेड प्लान के हिसाब से वो ट्रेडिंग में आ जाएगा, तो हम ट्रेड करेंगे, इसको बाय साइड के लिए प्लान करना पड़ेगा, ठीक है। कौन से लेवल पे ट्रेड करना है आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज्वाइन करिए, नहीं तो वेबसाइट में जाइए, यहाँ पे क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं और आल्गो ट्रेडिंग के बारे में मैंने वीडियोस डाला है, आज भी मैंने यहाँ पे डाल दिया, देखो इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उसके बाद आपको फायर्स का API की चाहिए ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आज मैंने वीडियो अपलोड किया API ब्रिज का, इंटीग्रेशन कैसे करना है फायर्स के साथ, एलिस ब्लू के साथ एक्सप्लेनेशन दिया, अच्छी तरह से देख लो, आपको फ्री आल्गो 1 महीने तक मिलेगा हमारा अंदर अकाउंट ओपन किया तो, उसके लिए आप एलिस ब्लू या फायर्स दोनों में एक ओपन कर लीजिए, ये आल्गो के लिए। अगर आप फ्री अकाउंट चाहिए आप स्टॉक या एंजल ब्रोकिंग में फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है, लेकिन आल्गो के लिए एलिस ब्लू या फायर्स चाहिए, ठीक है। जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स है, जाके ज्वाइन करिए,
ओके, थैंक यू सो मच।